हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आनंद क्लासेस। और वीडियो इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं द एनमी की समरी के बारे में, जो कि क्लास 12th इंग्लिश से है। सो गाइस, जो ये द एनमी स्टोरी है, ये एक जैपनीज सर्जन के बारे में है जिसका नाम है सडाओ। और इस स्टोरी को लिखा है पर्ल साइडन स्ट्रीकर बक ने। तो जो ये स्टोरी है गाइस, कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। जो सडाओ सर्जन होता है, वो पढ़ाई करने जाता है अमेरिका, जहाँ उसे एक जैपनीज लड़की मिल जाती है। सो ड्यू टू अट्रैक्शन गाइज, वो क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद वापस से वो जापान में सेटल डाउन हो जाता है। सब कुछ शादी वादी होके सेटल डाउन हो गया अच्छे से। उसके बाद क्या होता है गाइज, वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाता है। और वर्ल्ड वॉर टू में गाइज जापान के जो आर्मी जो इंजर्ड होंगे ऑफकोर्स, तो उनको सर्व करने के लिए जो सारे डॉक्टर्स थे उनको जापानीज के जो आर्मी इंजर्ड थी उसको मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए सबको बुला लिया गया था। लेकिन सडाओ को वहाँ नहीं बुलाया गया था, क्योंकि उस समय गाइज वो एक आर्मी के जनरल को ट्रीट कर रहा था। ठीक है, ट्रीट यानी कि उसका इलाज कर रहा था, और वो काफ़ी सीरियस था, इसलिए उसको अलाउ था वहीं रुकने के लिए, उसको वहाँ कैंप में जाने की जरूरत नहीं थी सडाओ को। लेकिन गाइज एक रात उसकी पूरी तरह से लाइफ बदल गई, क्योंकि एक रात उसे एक जख्मी आर्मी मैन मिला नेवी का, जिसे गोली लगी हुई थी, वो मरने वाला था। अब वो असमंजस में आ गया कि क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन एज अ डॉक्टर, जो सामने कोई मरीज होता है, उसे एज अ पर्सन देख के उसका इलाज नहीं करता है। अगर जख्मी है, अगर उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली कोई भी डॉक्टर उसकी हेल्प करेगा। ये डॉक्टर का नेचर होता है, तभी डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और सडाओ ने भी गाइज ऐसे ही किया, लेकिन उसके दिमाग में ये भी था, अगर मैं इसकी मदद करूँगा तो शायद मैं मुसीबत में आ जाऊँ। तो लेकिन फिर भी उसने उसकी मदद की और उस यंग सोल्जर को अपने घर में ले जाके उसको अच्छे से उसका इलाज किया और उसकी लाइफ बचाई। अब उसे पता चल गया गाइज, क्योंकि अब उसने उसकी तो जान बचा दी, अब जो उसका मौत का खतरा था, वो मरने वाला था, वो बच गया है। लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसा कुछ काम कर दिया है उसने। और उसके घर में जितने भी काम करने वाले सर्वेंट थे, सब छोड़ के चले गए थे, क्योंकि आर्मी वालों को पता चला कि ये हम अपने दुश्मनों का मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो डेफिनेटली वो मार देंगे। तो जैसे जैसे गए, दिन बीतते गए, उसे पता चलता गया कि ये सोल्जर है, अब उसकी लाइफ अच्छे से सुधार हो रही है, रिकवर कर रहा है अच्छे से वो। तो सडाओ को लगा कि अब ये, क्योंकि ठीक हो गया है, अब उसका कोई ये पेशेंट नहीं है, तो अब वो उसे मार सकता है। और उसने और जो ओल्ड जनरल था उसको उसने इन्फॉर्म किया उस वाइट मैन के बारे में, और उन्होंने बोला कि मैं अपने आदमी भेजता हूँ उसे मारने के लिए। तो फिर वो वेट करने लगा, जो किलर्स आने वाले थे उस वाइट मैन को मारने के लिए, जो आर्मी का अमेरिकन का जो नेवी ऑफिसर था उसे मारने के लिए आने वाले थे। तो वो वेट करने लगा, फिर एक टाइम पे उसमें जो इंसानियत होती है वो जाग उठी, कि वो सोचा कि आखिरकार हम इंसान ही हैं और इंसान इंसान को मार रहा है। और उसने सोचा कि एक इंसान की जो लाइफ की वैल्यू क्या होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और हम ऐसे ही एक दूसरे को मारते रहे, क्योंकि गाइस दुनिया में कोई भी इंसान एक कोने से किसी भी कोने में है, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता होता है गाइस, ब्रदरहुड होता है। तो उसके नाते मैं इसे मार नहीं सकता, तो सडाओ ने ऐसा सोचा। तो एक फाइनली वो कंक्लूजन पे आ गया कि उसने सोचा कि ये मेरा दुश्मन नहीं है, बेशक ये अमेरिका की कंट्री से क्यों ना हो। तो क्योंकि गाइस वो एक तरह से दुश्मन की हेल्प कर रहा था, तो वो लोगों के अगेंस्ट जा रहा था, राइट थिंग की, और उसने उस आर्मी मैन को भगने में मदद की और उसकी लाइफ बचाई। तो गाइस इस तरह इस जो ये स्टोरी है ख़त्म होती है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। एंड अगर आप इसकी फुल स्टोरी पढ़ोगे ना, तो बहुत ही अच्छी लगेगी पढ़ने में। तो इससे क्या पता चलता है गाइस, कि प्यार जो रिलेशन होती है ना, या प्यार कह दो या रिलेशन कह दो, रिश्ता होता है ना, वो किसी भी इंसान को एक बेहतर इंसान बना देता है। बेशक कोई लॉ या फिर कोई ज़बरदस्ती का फोर्स वाली चीज़ किसी इंसान को एक अच्छा ह्यूमन बींग नहीं बनाएगी, प्यार ही किसी इंसान को बदल सकता है। तो ये स्टोरी का एक मैसेज है गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।